गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम लोग बायोलॉजी के नेक्स्ट सेशन में तैयार हैं और सभी लोग तैयार हैं। राजू स्टार्ट करवाएंगे और उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। रेगुलर देखिए क्योंकि बायोलॉजी आपको ठीक करना है। थैंक यू। वतिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, किसके कारण? जब परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, सभी प्रकार के पुष्पों में, एक नंबर घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। जूफिली, एंटीमोफिली, चिरेप्टेरोफिली, मेलेकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। दो नंबर परागण है अपूर्ण विकसित भ्रूण, अपूर्ण विकसित नर युग्मक, कोद्भिद, बीजाणु मातृ कोशिका, एक नर शुक्राणु कोशिका। एक नंबर कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं वृक्ष और चिपचिपी। निषेचन के पश्चात बीजों का बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों में, भ्रूणपोष में, निभाग से और बीजांड से। अध्यावरणों में। एक नंबर निषेचन द्वारा मुख्य लक्षण है ब्रायोफाइटस का, सॉरी क्वेश्चन गलत होगा, द्विनिषेचन द्वारा मुख्य लक्षण है ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, आवर्तबीजियों का। एक नंबर बिना निषेचन के एक अंडा के फल के विकसित होने का कारण कहलाते हैं सिंजिनेसिस, पार्थिनोकोर्फी, एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थिनोकोपी। अनिषेक जनन प्राय दिखाई देता है अंगूर में, लीची में, ठीक है। एक नंबर तना काट कर आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास। केला, गन्ना। निम्नलिखित में से किसकी एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? मक्का, सोरगम, सोयाबीन, प्याज। प्याज, ठीक है। एक सत फल परिवर्धित होता है अंडाशय से, पुष्पाशन से, दलों से और आशय से। अंडाशय से, ठीक है। आवासी फल का उदाहरण है सेब, नारियल तथा आम के फल होते हैं पोम, बेरी, ड्रूप, पीपो, ड्रूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकार ये भाग कहलाते हैं बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, अंत फलवृत्ति, फलवृत्ति। मध्य फलवृत्ति, ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष, ठीक है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन, एरिल, मध्य फलवृत्ति, बीज पत्र, एरिल। सेब एवं नाशपति में खाने का योग भाग होता है मांसला पुष्पासन, ठीक है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है ड्रूप, हेस्पेरिडियम, नट, एक बीजी बेरी, ठीक है। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है विकारों के व्यवहार से, हार्मोन्स के व्यवहार से, पादपों के 70 डिग्री सेल्सियस पर रखकर, पादपों को चमकदार प्रकाश में रखकर, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। चावल का एक दाना है, चावल का एक दाना है, एक बीज, बहुबीजीय फल, भ्रूणपोष, एक बीजीय फल, एक बीजीय फल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
आम बेरी, टमाटर पॉम, सेब ड्रूप, केला बेरी। ठीक है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नाशपति का कौन सा भाग खाना खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। ठीक है, एक नंबर। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख, मूंगफली, बादाम, साइकस। साइकस। ठीक है। बीज विकसित होता है? बीज विकसित होता है अंडाशय में, बीजांडों से। भ्रूण किसमें मिलता है? फूल, पर, बीज, कली। बीज। ठीक है। ऑर्किड के बीज होते हैं? छोटे तथा चिपकीले वाले, अधिक बड़े एवं भारी, हल्के तथा शुष्क। हल्के तथा शुष्क। समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश, जल। ठीक है, एक नंबर। सजीव परजरा अंकुरण किसमें पाया जाता है? अनानास में, राइजोफोरा में, राइजोक्लोनियम में, राइजोबियम में। राइजोफोरा में। ठीक है। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है? कद्दू, मक्का, राइजोफोरा, सेम में। मक्का। भूमपौरिक अंकुरण पाया जाता है? मक्का में, गेहूं में, मटर में, अरंडी में। अरंडी। पौधे में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है? निषेचित बीज को भूमि में दबाने के पश्चात फल का परिवर्धन। ए नंबर। बी नंबर। तने में बनी खोलरों में संग्रहित मिट्टी में बीजों का अंकुरण। सी नंबर। जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। डी नंबर। अनेक बीजों का संगठन। सी नंबर ऑप्शन होगा, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। गठपर्णी के भागों में कौन सा भाग एक घट में रूपांतरित होता है? अष्टम, अन्नपूर्ण, पर्णवृत्त, पत्ता। पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप। हाँ। पैशन फ्लावर पादप, रात की रानी क्वीन नाइट, क्लैम ऑफ द फॉरेस्ट, घटपर्णी। घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी। अब रिपीट करते हैं। ऑर्किड के बीज होते हैं? अच्छा। हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिपकीले वाले, अधिक बड़े एवं भारी, इनमें से कौन है? हल्के तथा शुष्क। ठीक है। बीज विकसित होता है? बीज विकसित होता है बीजान। ठीक है, अब बताओ। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है? नट। ठीक है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है? बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, अंत फलवृत्ति, मांसल पुष्पासन। ठीक है। और निषेक जनन प्राय दिखाई देता है? अंगूर में, लीची में, सेब में, आम में। ठीक है। और तो आज का कंप्लीट हो गया। विनर बता दो। राहुल। राहुल विनर, कोई डाउट नहीं, सब चीज में टॉप पर।